हेलो एवरीवन, कम बैक टू आवर चैनल। हम लोग देखने वाले आज क्या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है जो उसका वैल्यू आता है, साइन 45, साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 90, ये सब है ना, ये कैसे आता है, इसका हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। बेसिकली सबसे पहला डेरिवेशन क्या चीज पर आने वाला है, तो 45 डिग्री पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री पर, उसके बाद 0 और 90 डिग्री पर, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इधर उधर करके ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा उसमें ताम जाए इसको ऐसे, ठीक है ना। जो हल्का पहले उसको कर ले रहा हूँ, जो भारी है उसको मैं बाद में करूंगा, ठीक है ना। ओके, तो मैं उसका टेबल आप लोग बना कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, टी रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री। जो 45 डिग्री होता है ना, मतलब क्या है कि साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और टैन 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री और sec 45 डिग्री और cosec 45 डिग्री, ठीक है ना। तो इन सब का वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल क्या है कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लिखना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री होता है वो हमेशा क्या चीज में लगता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एगो एंगल का क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब क्या है कि कुछ इस तरह का ट्रायंगल होना चाहिए, ये एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और ये एंगल हम लोग लेंगे 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये ए, ये बी और ये सी है, ठीक है। तो ये सी एंगल कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, तो देखिए टोटल सम कितना होता है, टोटल एक ट्रायंगल के अंदर का कितना टोटल एंगल का सम होता है, तो 180 होता है। तो ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, यानी 135 हो गया और ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। ये जितना होगा उतना ही ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है ना। ओके, तो ये हम लोग जान गए कि 45 डिग्री होता है, इसके बराबर का ही होता है, ठीक है ना। एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। बात यहाँ पर ये है कि यदि हम लोग इसको हाइपोटेन्यूज माने, थोड़ी देर के ये मान लेते हैं, जो ए बी साइड है ना, लेट ए बी साइड इज इक्वल टू ए, ठीक है, स्मॉल ए के बराबर मान लेते हैं। तो ये साइड कितना हो गया ए, ठीक, और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री है और ये भी एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला साइड ये होगा, ये एंगल 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये होगा। यदि एंगल सेम है तो दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में पढ़े हुए, ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा कि ये एंगल ए है तो ये भी, सॉरी, ये इस साइड ए है तो ये भी साइड ए ही होगा, ठीक है ना। ये साइड कितना होगा, तो ए ही होगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है ना, अपोजिट एंगल क्या है, सेम है, इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों साइड सेम होगा, ठीक है। तो ये साइड सेम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। यानी ये एच हो गया, और यानी मतलब क्या है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यानी ए सी यानी एच है, ये एच है ना, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू रूट टू ए स्क्वायर, यानी रूट टू ए बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एच का वैल्यू कितना आया, रूट टू ए, ठीक है। और देखिए हम लोग ये वाला एंगल लिए, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा, ठीक। हम लोग निकाला यहाँ पर क्या है, साइन 45, तो साइन क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज होता है ना, साइन इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या पढ़े हुए थे कल वाला, यदि लेक्चर नहीं देखे है तो वो देख लीजिए, क्योंकि वहां से हम लोग बहुत सारा चीज यहाँ पर यूज करने वाले। ओके, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या था, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, इस तरह हम लोग डिफाइन करते थे साइन को, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, तो ए है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो रूट टू ए है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए बटे रूट टू ए, यानी ए से ए कट जाएगा, यानी वन बटे रूट टू, किसका वैल्यू आया, तो साइन 45 का वैल्यू 1 बटे रूट टू। कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस क्या होता है, तो कॉस होता है बेसिकली कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, तो बेस भी ए है और हाइपोटेन्यूज रूट टू ए है, यानी कितना हो जाएगा, तो ए अपन में रूट टू ए, ए से ए गया 1 बटे रूट टू। मतलब यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि जो साइन 45 और कॉस 45 उसका वैल्यू सेम होता है, ठीक है, साइन का और कॉस का, ठीक है। टैन क्या होता है, तो साइन बटे कॉस होता है टैन, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 1 अपन में रूट टू निकाले है डिवाइडेड बाई 1 अपन में रूट टू कॉस 45 का वैल्यू, तो ये दोनों कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी टैन 45 का वैल्यू कितना आता है, 1, ठीक है, 1। कॉट 45 का वैल्यू टैन का इनवर्स होता है, तो 1 का इनवर्स कितना करेंगे, 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है ना। ओके, और sec 45 यानी sec क्या होता है, तो cos का इनवर्स, तो cos कितना है, 1 बटे रूट टू, तो रूट टू को ऊपर भेजेंगे, 1 को नीचे भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट टू बटे 1 यानी रूट टू हो जाएगा, ठीक। और cosec 45 किसका इनवर्स होता है, तो sin का, इसका भी 1 बाई रूट टू है, तो रूट टू ही हो जाएगा, ठीक है, रूट टू।
तो बेसिकली ये हो गया 45 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। छह रेशियोज है उसका 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। जो 45 डिग्री होता है ना उसमें साइन और कॉस का वैल्यू सेम होता है, और सेक कोसेक का वैल्यू सेम होता है, टैन कॉट का वैल्यू 1:1 होता है, ठीक है ना। सिंपल तरीका है, ओके। तो बेसिकली ये था 45 डिग्री का। अब हम लोग देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, वो दोनों लोग साथ में देख लेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले क्या, तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो उसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ट्रायंगल कैसा फॉर्म करेंगे, जिसमें क्या हो एक 60 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो और या 30 डिग्री होना चाहिए। तो 60 डिग्री किसमें होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, 60 डिग्री, ठीक है। और इसके साइड को थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराएंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग गिराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको आधा आधा बांट, आधा आधा में बांट देता है, मतलब ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। इसी की वजह से मैं 2a लिया हूँ, ठीक है, नहीं तो ए भी ले सकता था। 2a इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बटेगा ना, तो ये हम लोगों को लिखने में आसानी पड़ेगा, a बाई 2 में लिखेंगे, a ही लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये एंगल आधा आधा बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला भी 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होता है, तो 60 डिग्री हो जाएगा ना। ओके, तो अब हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर देखना क्या है कि ये वाला हाइट कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं और इसको एम बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को देखना है क्या, इन ट्राइंगल ए बी एम, ए बी एम, इसमें हम लोग पाइथागोरियस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक है। यानी अभी कितना है, तो 2a, 2a का स्क्वायर बोले तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बी एम का स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा, तो ए एम का स्क्वायर, हम लोगों को इसका वैल्यू चाहिए ए एम का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर, यानी ए एम इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3a। ये आ गया ए एम, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर 3a, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल कौन सा देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम। यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या चीज का वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 60 और कॉस 60 का वैल्यू मैं निकाल के बता रहा हूँ, उसके बाद जो होगा टेन का भी बता दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग तो खुद से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं कंसेप्ट पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर क्लिक कीजिए, उसके बाद उसको पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो यहाँ पर 60 डिग्री कौन है, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी एम इसमें कौन है, तो ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी रूट 3 ए बटे, तो 2a हो जाएगा, तो 2a लिख देंगे, यहाँ पर a कट जाएगा, यानी रूट 3 बटे 2, यानी साइन 60 का वैल्यू क्या आया, रूट 3 बटे 2। अच्छा, कॉस 60 देखते हैं, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60 होगा बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, जो ये 60 इसका बेस होगा a, और अपन में हाइपोटेन्यूज, यानी a बटे 2a, a से a कट गया, यानी 1 बटे a। सिंपल तरीका है, कुछ सॉरी 1 बटे 2 है ना, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है, सिंपल आप लोगों का कॉन्सेप्ट लगाना है, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली ये हो गया, ये दो टर्म मैं डिफाइन कर दिया हूँ। टैन, टैन कैसे निकालते हो, टैन क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टैन मिल जाएगा, यानी टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री इतना डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 60 डिग्री इतना, यानी कितना है, तो रूट 3 बटे 2 डिवाइडेड बाई 1 बटे 2, तो ये 2 से 2 गया, यानी रूट 3। साइन 60, टैन 60 का वैल्यू कितना है, रूट 3, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सेक कोसेक कॉट, इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इसका इनवर्स कोसेक होता है, इसका इनवर्स सेक होता है, इसका इनवर्स कॉट होता है, तो दोनों सबको पलट पलट कर लिख देंगे, तो हम लोग मिल जाएगा, ओके। तो ये काम आपका है, ठीक है ना। तो आप लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक होने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया 60 डिग्री और 30 डिग्री देख लेते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री में हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल हम लोग उसी ट्रायंगल में देखेंगे, उसी ट्रायंगल में, तो अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये एंगल ले रहे हैं, यदि ये एंगल लेते तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक है ना। मैं आप लोग बता चुका हूँ कि जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर हम लोग दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल वही ट्रायंगल में देखेंगे, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी एम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइन 30 डिग्री, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज कौन है, 2a, तो यानी हो जाएगा a बटे 2a, ये a से a गया, यानी 1 बटे 2, यानी साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 बटे 2, ठीक है। अब कॉस
30 का वैल्यू देखते हैं, तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, इसके लिए बेस कौन सा है, तो ये रूट थ्री है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, टू है, तो यानी रूट थ्री बट रूट थ्री ए बटे टू ए, ये ए से ए गया यानी रूट थ्री बटे टू हो जाएगा cos 6 cos 30 का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखना क्या है, सिंपल tan, तो tan क्या होता है, tan होता है साइन अपन में cos, तो साइन अपन में cos यानी क्या हो जाएगा, वन बटे टू डिवाइड बाई रूट थ्री बटे टू, ये टू से टू गया यानी वन बटे रूट थ्री आ गया। सिंपल क्या आया कि जो tan 30 डिग्री है ना उसका होता है वन बटे रूट थ्री और जो tan 60 डिग्री है उसका होता है रूट थ्री, ठीक है ना। तो सिंपल हम लोगों को ये मैं आप लोगों को टेबल में ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जो टेबल बताऊंगा ना उसमें मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ साइन का याद करना है, कॉस का खुद ब खुद, टैन का खुद ब खुद, कॉट का खुद ब खुद, सेक कोसेक, ये तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया हम लोगों कौन कौन निकालिए, तो 45 डिग्री निकालिए, 30 डिग्री निकालिए, 60 डिग्री निकालिए, ठीक है ना। ये जो तीन तीन बचा हुआ है ना उसको आप लोग खुद से करिएगा, कौन सा तीन है, तो वो तीन है कॉट 60 डिग्री और सेक 60 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 30 का भी है तो उसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या, तो जीरो डिग्री का, ठीक है, जीरो डिग्री का देख लेते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग क्या देखेंगे, टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल जीरो डिग्री, जब जीरो डिग्री हो से यानी साइन जीरो, कॉस जीरो, टैन जीरो, ये सब का हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोगों को ट्रायंगल में एक एंगल जीरो चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं ना, ये वाला जो ट्रायंगल हम बनाते हैं ना, इसमें क्या होता है कि कोई भी एंगल हम लोग को जीरो नहीं मिलेगा, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, इसका भी कुछ वैल्यू होगा और इसका 90 डिग्री तो होगा ही हो। तो अब हम लोग को क्या करना है इस ट्रायंगल में, सिंपल कि ये जो ट्रायंगल है ना इसमें ये जो एंगल थीटा हम लोग मानते हैं, ये वाला जो एंगल थीटा, इस थीटा को हम लोगों को जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको जीरो करने का तरीका यही है कि ये वाला जो साइड है ना, ये मान लेते हैं इसको ए और इसको बी और इसको जी सी, तो जो ए सी साइड है ना उसको हम लोगों को एकदम नीचे ए बी के कोइंसाइड करा देना पड़ेगा, मतलब ये जो साइड है इसको मोड़ कर हम लोगों को यहाँ पर कर देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल कि ये वाला जो साइड है इसको हम लोगों को मोड़ कर एकदम सीधा कर देना है, तो उसको हम लोग करने के लिए इस ट्रायंगल को दाबना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल को जैसे ही हम लोग दाबेंगे ना, तो इसको हम लोग फर्स्ट फिगर मान लेते हैं, अब सेकंड फिगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कैसा बनेगा। सिंपल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग दबाएंगे थोड़ा सा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और रियलिटी में था कैसा, तो ये कुछ ऐसा था, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या किए, दबते 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 यहाँ तक ला दिए, ठीक है ना। तो ये एंगल धीरे धीरे नीचे होते गया। अब फिर लास्ट फिगर में हम लोग क्या दिखाएंगे, इसको हम लोग एकदम एकदम ये जो है ना इसको एकदम सीधा ही कर दिए, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल था, ये वाला जो एंगल था, इसको हम लोग क्या कर दिए, जीरो कर दिए, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल्स यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो बी सी साइड है ना उसको हम लोग जीरो कर रहे हैं, बी सी साइड को क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, ओके। तो अब जीरो जैसे ही इसको कर दिए, तो ये वाला जो साइड है ना ए बी और ए सी दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे ही बी सी जीरो होगा, बी सी इज इक्वल्स टू जैसे ही जीरो होगा, तो यहाँ पर हम लोग जैसे पाइथागोरियस थ्योरम लगाते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी को हम लोग क्या ले लिए, जीरो, क्योंकि इसको चिपटा कर दिया एकदम बैठा दिया, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी हो रहा है कि नहीं, देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये जीरो है ना, तो जीरो टर्म कुछ नहीं मतलब रहता है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है बराबर हो जाएगा जब एंगल जीरो हो जाएगा, जब एंगल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब बेसिकली मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग ये एंगल लिए, अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, तो साइन देखेंगे। तो सबसे पहले साइन मैं निकाल लेता हूँ, साइन जीरो डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा ही है, तो ये साइड क्या हो गया, जीरो हो गया है। यहाँ पर देखिए बीसी इज इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज यानी ए सी, तो जीरो बाई समथिंग, जीरो बाई कुछ भी, जीरो बाई कुछ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो। अच्छा, कॉस का देखते हैं, तो कॉस जीरो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो बेस इसके लिए ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर है, यानी क्या हो गया कि जो है ना इस ए बी डिवाइडेड बाई ए सी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखा हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए सी बटे ए सी, तो ए सी ए सी तो गया काम से, वन हो गया, यानी कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया। अब टेन क्या होता है, टेन जीरो इज इक्वल टू साइन अपन में कॉस, यानी जीरो बाई वन, तो जीरो बाई समथिंग कुछ भी करे, जीरो बाई वन इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू वन, टेन जीरो का वैल्यू जीरो, ओके।
तो ये बेसिकली मैं तीन ही निकाल रहा हूँ, जो तीन बचा हुआ है वो तो आप लोगों को निकालना है, ठीक है। टेबल में मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को निकालना है, ठीक है ना। जीरो का भी हो गया, अब देखते हैं 90 डिग्री का भी, उसमें भी यही कंसेप्ट लगाना है, ट्रायंगल को पचकाना है। तो अब देखते हैं क्या, तो जब एंगल 90 डिग्री होगा तब, तो सिंपल यहाँ पर वही करना है कि ये एक ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। ये साइड ए, ये बी और ये सी, ठीक है, पॉइंट का नाम दे दिए। अब ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा, हम लोगों को ये एंगल थीटा लेना है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, ओके। और ये 90 डिग्री तो होगा ही होगा। अब बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, ये जो थीटा है ना, इसको हम लोगों को 90 डिग्री बनाना है, ठीक है, 90, क्योंकि 90 का वैल्यू निकालना है। तो ये थीटा हम लोगों को 90 चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, ये जो एसी साइड है वो एकदम खरंजा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। किस तरह, तो इस तरह एकदम सीधा सीधा होना चाहिए। तो इसको हम लोग सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले लाइन को उठाकर मोड़ देंगे, ठीक है, इस वाले लाइन को उठाकर मोड़ देंगे। बेसिकली क्या करना है, सिंपल कि ये जो लाइन है ना, ए बी लाइन है ना, ए बी, ये तो बेस लिखा हुआ है, ठीक है, बेस, ठीक है। तो ये जो ए बी लाइन है ना, उसको हम लोगों को जीरो करना पड़ेगा। कैसे, तो जैसे ही हम लोग इसको धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, तो जो ए सी लाइन है ना, वो बी सी के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फिगर बताता हूँ कैसे होगा। ये फर्स्ट फिगर मान लेते हैं इसको, और सेकेंड फिगर यहाँ पर बनाएंगे, तो ये तो होगा एज इट इज उसी तरह। और उसके बाद आप लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है, और ये कुछ इस तरह होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो रियल फिगर था ना, वो कुछ इस तरह का था, ये था रियल वाला फिगर, ठीक है। यहाँ पर ए था, हम लोग ए को घसकाते यहाँ तक ला दिए, और ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहाँ पर अब ए आ गया, ठीक है। अब ये एंगल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। हम लोग एक ऐसा समय लाएंगे जब थर्ड फिगर देखेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये साइड तो उसी तरह रहेगा, लेकिन ये जो बी सी साइड एकदम जीरो हो जाएगा, इस तरह एकदम हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम क्या हो जाएगा, खरे खरे हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, लगभग एकदम पूरा 90 सटा देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही सटाएंगे ना, तो ये साइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये साइड जैसे ही जीरो होगा, तो ये वाला जो दोनों साइड है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ करके मैं आप लोग दिखा देता हूँ क्या होता है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी क्या है, जीरो हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये जीरो हो गया, तो यहाँ पर जैसे जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया, यहाँ पर बेसिकली यही था। अब यहाँ से हम लोग साइन निकालेंगे, तो साइन क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो ये है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो ये है, ठीक है ना, ओके। तो हम लोग क्या करना, परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर बी सी है डिवाइडेड बाई ए सी। तो यहाँ पर देखिए जो हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज ए सी यानी हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग एच लिख लेंगे। तो h जो है ना, वो किसके बराबर है, bc के। तो यहाँ पर bc की जगह पर हम लोग h रख सकते हैं, यानी h बटे h, यानी 1। जो sin 90 का वैल्यू वो कितना है, 1, sin 90 का वैल्यू 1 आया, ठीक। तो बेसिकली cos का भी निकाल सकते हैं, cos 90 इज इक्वल टू बेस अपन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पर देखिए बेस जीरो हो गया, और हाइपोटेन्यूज h है, तो जीरो बटे समथिंग कुछ भी करें तो जीरो ही होगा। sin 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू जीरो। अच्छा, और tan का क्या होगा, tan 90 का वैल्यू इज इक्वल टू साइन 90 अपन में cos 90, यानी 1 बटे 0 क्या होगा, 1 बटे 0, ये हो गया क्या, tan। तो 1 बटे 0, नीचे 0 हो, डिवाइड के नीचे, तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, उसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता, वो मीनिंगलेस क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है ना, उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली हो गया। अब जो तीन बचा हुआ है उसको आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस, मैं आप लोगों को यहाँ पर टेबल दिखाता हूँ इसका, ठीक है ना। तो बेसिकली जो टेबल दिख रहा है ना, उसमें आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, कि सबसे पहले साइन का देखेंगे, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो है, ठीक। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू कितना है, तो 1/2 है। साइन 45 का वैल्यू कितना है, तो 1/√2 है। अच्छा, और जो साइन 60 है, तो उसका √3/2 है। और साइन 90 का वैल्यू कितना है, तो 1 है बेसिकली, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर जो साइन का वैल्यू दिख रहा है, नीचे से जो साइन 90 का वैल्यू है ना, वो आप लोगों को कॉस जीरो का वैल्यू दिख रहा होगा, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू जो है ना, वो आप लोगों को कॉस जीरो का वैल्यू, और जो कॉस जीरो का वैल्यू है ना, वो आप लोगों को साइन 90 का वैल्यू, और जो साइन जीरो का वैल्यू है ना, वो आप लोगों को कॉस 90 का वैल्यू दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, कि जैसे ही हम लोग, सिंपल मैं आप लोग बता दूँ, कि देखिए मैं आप लोगों को चार्ट बनाकर बता ही देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग अब टेबल में देखते हैं, टेबल में आप लोगों को बता दूं कैसे। सिंपल क्या है, कि साइन जीरो का वैल्यू तो जीरो होगा, आप लोगों को रट चुके हैं, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होगा ना, ठीक है, क्यों लिखा, जीरो होगा, ठीक। अच्छा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होगा, ठीक। अच्छा, हम लोगों को टैन निकालना है, तो टैन क्या होता है, साइन अपन में कॉस, यानी 0/1, तो 0 बटे कुछ भी, तो 0 होगा,
कॉट क्या होता है तो जीरो का इनवर्स हो जाएगा, टेन का इनवर्स, तो जीरो का इनवर्स क्या होता है तो वन बाई जीरो यानी सन्नाटा, यानी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, अच्छा सेक क्या होता है तो कॉस का इनवर्स होता है, देखिए वन का इनवर्स वन ही होता है। अच्छा कोसेक क्या होता है तो साइन का इनवर्स, ठीक है ना, तो साइन का इनवर्स बोले तो जीरो का इनवर्स यानी वन बाई जीरो, तो वन बाई जीरो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर साइन थर्टी का वैल्यू लिखना है, तो साइन थर्टी का वैल्यू क्या होता है, हम लोग क्या निकाले हुए साइन थर्टी का वैल्यू तो वन बाई टू, कॉस थर्टी का वैल्यू क्या निकाले हुए तो रूट थ्री बाई टू, ठीक है ना, ये इतना तो याद है ना। ओके अब उसके बाद हम लोग क्या निकाला है टैन, तो टैन क्या करेंगे इतना को डिवाइड कर देंगे इतना से, तो क्या हो जाएगा तो इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो बेसिकली हम लोगों को मिलेगा क्या वन बाई रूट थ्री मिलेगा, ठीक है ना, वन बाई रूट थ्री, ठीक है ना, इसको डिवाइड करके आप लोग चेक कर सकते हैं। कॉट का क्या होता है, इसका इन्वर्स करेंगे तो रूट थ्री हो जाएगा। ठीक, और सेक क्या होता है तो सेक होता है कॉस का इन्वर्स, तो यानी रूट थ्री बाई टू का इन्वर्स हो जाएगा टू बाई रूट थ्री। कोसेक क्या होता है तो साइन का इन्वर्स यानी वन बाई टू का इन्वर्स क्या हो जाएगा टू बाई वन, यानी टू वन को हम लोग लिखे चाहे ना लिखे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है नीचे की तरफ, ठीक है ना। ओके तो ये हो गया। अच्छा और उसके बाद क्या है तो 45, तो साइन 45 का वैल्यू हम लोग निकाले हुए वन बाई रूट टू, और कॉस 45 का भी वैल्यू उतना ही होता है, ठीक है। अच्छा टेन 45 का वैल्यू कितना होता है तो इसको डिवाइड करेंगे इतना से, तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी से। और उसके बाद क्या होता है वन का इन्वर्स क्या हो जाएगा कॉट, तो वन ही होगा। सेक क्या होता है तो इसका इन्वर्स होता है, तो वन बाई रूट टू का इन्वर्स क्या हो जाएगा रूट टू, और ये भी वन बाई रूट टू है तो इसका भी रूट टू हो जाएगा। ठीक, सेम होता है। अब 60 में देखेंगे ना तो साइन 60 का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू, और कॉस 60 का वैल्यू होता है वन बाई टू, टैन क्या होगा तो इतना डिवाइडेड बाई इतना है रूट थ्री बाई टू अपने वन बाई टू यानी रूट थ्री हो जाएगा रूट थ्री। उसके बाद कॉट का क्या होता है, कॉट तो इसका इन्वर्स होता है यानी वन बाई रूट थ्री हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री इसका इन्वर्स, रूट थ्री का इन्वर्स करेंगे तो वन बाई रूट थ्री हो जाएगा। ठीक, सेक क्या होता है तो कॉस का इन्वर्स होता है तो वन बाई टू का इन्वर्स टू हो जाएगा। अच्छा कोसेक क्या होता है रूट थ्री बाई टू का इन्वर्स यानी टू बाई रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। ओके साइन 90 का वैल्यू क्या निकाले तो साइन 90 का वैल्यू वन होगा और कॉस 90 का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है ना। ओके टैन का क्या होगा तो वन अपन में जीरो यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है, टैन क्या होता है साइन अपन में कॉस, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसका। अच्छा कॉट क्या होता है तो क्या होता है इसका इन्वर्स, ठीक है, तो वन बाई जीरो, देखिए जो वन बाई जीरो है ना इसका इन्वर्स करना है पावर वन करना है यानी जीरो बटे वन, तो जीरो बटे वन क्या होता है जीरो होता है, ठीक है, जीरो बटे वन जीरो होता है। ओके तो जो कॉस कॉट का वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। कैसे तो देखिए कॉट क्या होता है तो कॉस बाई साइन होता है और टैन क्या होता है साइन बाई कॉस होता है, ठीक है ना, तो जीरो बाई वन तो जीरो बाई समथिंग जीरो हो जाएगा, ठीक है। और उसका सेक क्या होता है तो सेक होता है कॉस का इनवर्स यानी जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक। और उसके बाद कोसेक क्या होता है तो कोसेक बेसिकली होता है साइन का इनवर्स यानी वन का इनवर्स वन हो जाएगा। ओके तो बेसिकली यही चार्ट है, तो यहाँ पर याद करने का तरीका यही है कि जो साइन का वैल्यू दिख रहा है ना जीरो का वैल्यू जीरो, थर्टी का वैल्यू वन बाई टू, फोर्टी फाइव का वैल्यू वन बाई टू, और सिक्सटी का वैल्यू थ्री बाई टू, नाइनटी का वैल्यू वन, तो देखिए ये जो नाइनटी का वैल्यू है साइन नाइनटी का वैल्यू है ना वो आप लोगों को कॉस जीरो का वैल्यू दिख रहा होगा, जो साइन सिक्सटी का वैल्यू है ना वो आप लोगों को कॉस थर्टी का वैल्यू दिख रहा होगा, ठीक है, और जो फोर्टी फाइव है वो तो बराबर ही है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है जो साइन का वैल्यू याद करेंगे ना साइन जीरो तो कॉस नाइनटी, ठीक, और उसके बाद क्या है तो साइन थर्टी तो कॉस सिक्सटी, उसके बाद क्या है तो बेसिकली साइन 45 तो साइन 45 बराबर होगा साइन 60 तो साइन 30, इस तरह हम लोग देखना है, ठीक है ना। साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस जीरो का वैल्यू 1, ठीक है ना। तो इसमें नीचे जाएंगे तो इसमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरह याद रख सकते हैं। और हम लोग क्या टेन क्या होता है तो साइन अपन में कॉस, हम लोग सिंपल साइन कॉस का याद रहेगा तो डिवाइड कर देंगे तो हम लोग मिल जाएगा टेन। बेसिकली शुरुआत में थोड़ा सा डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये सब याद हो जाएगा, ठीक है ना, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओके तो बेसिकली यही चार्ट था इसमें, और आप लोग सोच रहे होंगे कि जो सिंपल आप लोगों को सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 इसका ही वैल्यू निकालो, 15, 17, 20 इसका का नहीं वैल्यू निकालो, तो इसका वैल्यू आप लोगों को क्लास 11 में फॉर्मूला मिलेगा जहां पर आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा, बहुत आउट कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को नहीं बताया, जितना है उतना ही, लेकिन बोर्ड में नंबर जरूर आएगा, ठीक है, पास जरूर हो जाएगा, आप लोग फर्स्ट रैंक लाइएगा। ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे का आएगा जो टॉपिक है। ओके तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्या है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। तो सिंपल हम लोग याद करेंगे जो वैल्यू निकाले हैं उसको पुट करेंगे, हम लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 का वैल्यू क्या निकाले हुए हम लोग तो रूट थ्री बाई टू निकाले हुए है, इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या निकाला है तो रूट थ्री बाई टू निकाले हैं कि नहीं, डिवाइडेड बाई टू, माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या निकाले है वन बाई टू निकाले हुए है, इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या निकाले हुए तो वन बाई टू निकाले हुए हैं, ठीक। तो आगे हम लोग करेंगे ना तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो थ्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाई फोर माइनस वन अपन में फोर, यानी बेसिकली इसको हम लोग देखेंगे तो थ्री माइनस वन अपन में फोर यानी
टू बाई फोर यानी 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लोग मिटाकर यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 के बराबर है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करें हम लोगों को मिल गया आंसर।